मुझसे शादी करोगी? माँ की इजाजत के बाद। भगवान, मेरी माँ नहीं, मेरे पिता भी नहीं, तुम ही मेरे माता पिता हो भगवान। मुझे आशीर्वाद दो कि विक्रम और मैं हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। कहते हैं यहाँ धागा बांधने से हर मुराद पूरी हो जाती है। अच्छा, तो फिर क्यों ना हम अपना प्यार यहाँ बांधे? तुमने क्या मांगा? तुमने क्या मांगा? ये जिस्म, ये जान, ये जान, ये जिस्म कभी जुदा नहीं होंगे। तुम और मैं और तुम आज से एक हैं। मेरी हर सांस में सुनीता होगी, सिर्फ सुनीता। मेरे होठों पे, मेरे दिल में प्यार का एक ही नाम होगा, विक्रम, सिर्फ विक्रम। कोई रिश्ता, कोई फर्ज, कोई धर्म मुझे मेरी सुनीता से दूर नहीं कर सकेगा। विक्रम से दूर करने से पहले भगवान मेरी जान ले ले। hey! इस माला के रूप में हमारा प्यार हमेशा यहां बना रहेगा। जब तक ये संसार है, इस संसार में ये मंदिर और मंदिर में ये माला, तब तक हम दोनों भी इसी प्यार के बंधन में बंधे रहेंगे। ये वादा रहा। तुम्हारी फ्लाइट अनाउंस हो गई है और सब लोग सिक्योरिटी भी चेक करा चुके हैं। फ्लाइट मिस हो गई तो? मिस हो गई तो हम कल सुबह की फ्लाइट से चले जाएंगे और क्या? नहीं, इसी फ्लाइट से जाना है। सुनो, धन्यवाद। माँ से हमारी शादी की बात बड़े प्यार से करना। प्यार से तुम्हें बात नहीं कर सकता। क्यों? प्यार तो मैं अपना यही छोड़े जा रहा हूँ। अब जाओ भी। जाता हूँ। क्या बात है, तुम खाने रहे हो? नहीं मैम, मैंने प्लेन में ही खा लिया था। तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ मैम, माँ वो जो सुनीता है ना। सुनीता? हाँ सुनीता, आप उसे श्रीनगर में मिली थी। बहुत अच्छी लड़की है ये सुनीता माँ, बहुत अच्छा गाती भी है। उसका पूरा नाम सुनीता सिकंद है माँ। कॉफी पियोगे? कश्मीर का मौसम कैसा है? अच्छा जी माँ, मैं सुनीता से शादी करना चाहता हूँ। सुनीता के बारे में मैंने कुछ लोगों से पूछताछ करवाई। लो इसे पढ़ो। क्या ये? मैंने कहा ना इसे पढ़ो। सुनीता जैसी लड़की किसी शरीफ खानदान की बहू नहीं बनती। सुनीता का बाप एक खूनी था जिसे फांसी हो गई थी, और सुनीता की मां सुनीता को किसी अनाथ आश्रम में छोड़कर पता नहीं कहां चली गई। मैं ये सब जानता हूं मां, लेकिन इसमें सुनीता का क्या दोष है? विकी, तुम अपनी इज्जत देखो, सोसाइटी में तुम्हारा स्टेटस देखो, तुम किस खानदान से हो, और वो मैं उसे अपने खानदान की बहू कैसे मान लूं? इसके पास
कहने के लिए खानदान तो क्या, अपने माँ बाप का नाम तक। मैं सुनीता जैसी बदनाम लड़की से। एक मिनट माँ, प्लीज एक मिनट। आपकी सोसाइटी में मेरी सुनीता का क्या नाम है मैं नहीं जानना चाहता, और ना ही मुझे खानदान और इज्जत से कुछ लेना देना, क्योंकि उन बातों को नहीं मानता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं सुनीता से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, बस। तुम्हारा प्यार तुम्हारा जाती मामला है, मैं उसमें दखल नहीं देना चाहती। लेकिन शादी तुम वो बिजनेस संभालने जा रहे हो जिसमें लाखों का लेन देन है, और उसके लिए चारों तरफ कैरेक्टर, विश्वास, भरोसे और सच्चाई की दीवारें बनानी पड़ती है। किसी तरफ से भी हमारी इज्जत पे बदनामी का छींटा हमारे सारे बिजनेस को बर्बाद कर सकता है। प्यार के लिए तुम हमारे खानदान, हमारी इज्जत, हमारे बिजनेस पर किचन नहीं उछाल सकते। मैं अपने खानदान, अपनी इज्जत, अपने बिजनेस पर कोई किचन नहीं उछाल रहा। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा करने आया हूँ। आपसे इजाजत देना चाहता हूँ ताकि मैं और सुनीता शादी कर सके। आपका जवाब हाँ है या ना? देखो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। तुम्हारी आपका जवाब हाँ है या ना? पिकी, तुम समझो। हाँ या ना माँ? नहीं, हरगिज नहीं। सुनीता, देर लगा दी विक्की। माँ कैसी है? चलो हम अभी शादी करेंगे। तो क्या माने? माँ अगर इजाजत नहीं देंगी तो क्या हम शादी नहीं करेंगे? लेकिन माँ के आशीर्वाद के बगैर। माँ मैं कभी आशीर्वाद नहीं देंगे। माँ के लिए तो सब कुछ बिजनेस है, सब कुछ पैसा है, उनके लिए तो प्यार भी एक सौदा है। मेरी खुशी में वो अपना नफा अपना नुकसान सोचती है। मैं वो घर हमेशा के लिए छोड़ा है सोनू, सिर्फ तुम्हारे प्यार के सहारे। मेरी सारी खुशियां, सारे सपने तुम्हारा प्यार है सोनू, तुम्हारा प्यार है। माना कि तुम दोनों पहली बार शादी करने जा रहे हो, लेकिन इसमें इतना घबराने की क्या बात है? मैं जाऊं साथ में, कन्यादान मैं कर दूंगा। मेरे ख्याल से मुझे तुम दोनों को कुछ देना भी चाहिए। ये लो 5 लाख। 5 लाख? लॉटरी का टिकट है, लग गई तो तुम्हारी किस्मत। मैं अकेला ही हंस रहा हूं। यार विक्की, जरा वो टिकट मुझे देना। क्यों? अगर सचमुच लग गई तो। अच्छा भाई, लग गई तो आधा आधा कर लेंगे बस। कौन से हॉस्पिटल में आपको एक्सीडेंट की खबर कब मिली? जिस वक्त आपको खबर मिली आपके दिमाग में क्या बात थी?
अखबार आवाम ये जानना चाहता है कि हादसे के वक्त आपका बेटा कहाँ था और उसके साथ कौन कौन प्लीज प्लीज आपके लड़के की तबीयत कैसी है? ये वक्त इंटरव्यू का नहीं है प्लीज। मेरे बेटे को क्या हुआ है डॉक्टर? आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ तो वो अभी तक बेहोश क्यों है? बहुत खुशकिस्मत है वो कि वो बच गया, वरना इतने खतरनाक एक्सीडेंट में तो। खैर, रिपोर्ट्स के मुताबिक सर में ब्लड क्लॉट नहीं हुआ, किसी वक्त भी होश आ सकता है। डॉक्टर साहनी, जब तक मेरा बेटा होश में नहीं आए आप यहीं रहेंगे? जी हाँ, मुझे तो यहीं रहना है। एक्सीडेंट में दो लोग और भी थे, लड़के को ज्यादा चोट नहीं आई, मामूली फ्रैक्चर था। उसके माँ बाप उसे ले गए हैं, लेकिन लेकिन वो बेचारी लड़की। मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती, आज सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। गाड़ी आपका बेटा चला रहा था मैडम, वो लड़की नहीं। देखिए डॉक्टर, मेरा उस लड़के से कोई वास्ता नहीं, चाहे वो जिए चाहे मरे। उसके साथ जो दुर्घटना हुई है उसे तो अच्छा था वो मर जाती, अब तो इसका जिंदा रहना भी मौत से बदतर है। ऐसा क्या हुआ है उसे? उसका चेहरा नहीं रहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं। गाड़ी का सामने वाला कांच टुकड़े टुकड़े होकर उसके चेहरे में ऐसे धंस गया कि उसका चेहरा बिल्कुल नष्ट हो गया। नाक, होंठ, कान, हड्डी तक कुछ भी नहीं बचा। चेहरे का सारा मांस कट गया है उसका। अब क्या होगा उसका? काश उसके लिए कोई कुछ कर सकता। क्या वो ये बात जानती है? नहीं, कहने की हिम्मत नहीं हुई।